और बड़ी खबर, जम्मू के पुंछ में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। संदिग्ध की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलने के बाद में ऑपरेशन चालू किया गया। बता दें लसाना इलाके में 100 से ज्यादा जवान यहां पर पहुंचे हैं। इनपुट्स मिलने के बाद में एक्सक्लूसिव जानकारी विद एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑन भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए जम्मू के पुंछ में किस तरह से बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। संदिग्ध की तलाश में यहाँ पर सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। कुछ इनपुट्स, कुछ इंटेल मिलने के बाद में एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। और बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह टीम पहुंची है वो लसाना इलाका है, जो अपने आप में बेहद झाड़ियों से घिरा हुआ जंगल का इलाका ये माना जाता है। घाटी का एक काफी इंपॉर्टेंट इलाका जम्मू के पुंछ का। पुंछ में पिछले कुछ दिनों में भी कई आतंकी गतिविधियां और यहां पर मौजूदगी यहां पर सामने आई थी। इसी बीच एक बड़ी खबर ये कि बड़ा सर्च ऑपरेशन यहां पर सुरक्षा बलों का। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये पूरा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथी इस समय प्रदीप दत्ता मेरे साथ में है। प्रदीप, आखिर किस तरह का ये सर्च ऑपरेशन है, क्या जानकारी? अब देखिए, हमें सूत्रों से पता चला है कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है। संदिग्ध की जो मूवमेंट देखने के बाद एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी उनके सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी उनके साथ हैं। और ये जंगल का इलाका पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल भी कोई चांस लेना नहीं चाहता। वजह उसकी ये कि कल हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेनेड हमला होता है पुलिस पोस्ट इंद में, जो कि हिंटरलैंड में पड़ता है, गुल के इलाका रामबन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद से जो है हमारे सुरक्षाकर्मी काफी चौकस हैं। हमने देखा कि एक और जगह पे भी सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई थी, जिसे बुद्दल का इलाका कहा जाता है रजौरी में, तो वहां पे भी एक सर्च अभियान चल रहा है। देखा जाए तो अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो तीन जगह पे समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक तो गुल रियासी के इलाके में चल रहा है, एक बुद्दल के इलाके में चल रहा है, और दूसरा यहाँ पे पुंछ के जो लसाना एरिया सुरनकोट तहसील में यहाँ पे चल रहा है। लगता है कि शायद हो सकता है कि जिन्होंने ग्रेनेड कल दागा था इन पुलिस पोस्ट पे, हो सकता है शायद वही आतंकवादी को इस तरफ आए हों। तो यही एक वजह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन, सर्च अभियान जारी है, क्योंकि कोशिश जो है पाकिस्तान और के आतंकवादी और उनके जो आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं कि वो चाहते हैं कि सरहदी इलाका चाहे पुंछ का हो या रजौरी हो, यहाँ पे भी गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो आतंकवादी गतिविधियां खाली कश्मीर तक सीमित ना रहे बल्कि यहाँ के इलाकों में भी आतंकवादी गतिविधियां, उनकी पूरी कोशिश है यहाँ पे भी हालत खराब करने की। हमने देखा है कि कल का जब ग्रेनेड हमला होता है उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक क्लेम करती है कि हमने इस ग्रेनेड को हमले को किया है, क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश। और दूसरी ओर आयमन अलजवेरी के मारे जाने के बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है पूरे अलर्ट है, क्योंकि लगता है कि हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि हो, कहीं ना कहीं निशाना बनाने की या टारगेट करने की कोशिश की जाए। तो इस सबको रोकने के लिए एक सर्च अभियान जारी है, पूरी कोशिश है कि पूरे तरीके से इलाके को खंगाला जाए। इस समय थ्री प्रॉन्ग्ड ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि तीन तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ से फौज चढ़ रही है, दूसरी तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के लोग देखेंगे, तीसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस के कर्मी भी हैं। और तो पूरी तरह से कोशिश है कि अगर कोई आतंकवादी मूवमेंट है या कोई गतिविधि है।